दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का बेटा पत्र दिन है, उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सीना बोली और तभी उसकी नज़र सामने खड़ी रोशनी पर पड़ी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी डरी हुई हिरनी सी आंखें, लंबी सोटी, माथे पर गोल बिंदी, मांग में सिंदूर दमक रहा था, गले में मंगलसूत्र। ये कौन है तुम्हारी, उसने सीखते हुए दीपक से पूछा। दीपक के मुंह से एक बोल न फूटा। ओ तो तुम डबल गेम खेल रहे थे मेरे साथ, सीना फुफकराते हुए बोली। सीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी जिंदगी के तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है डार्लिंग, वो बोला। हाउ डियर यू टू बी फूल मी, वो सिलाई में जा रही हूँ और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना कभी, वह गुस्से में बाहर निकल गई। रोशनी को घूरता हुआ दीपक बद हवास सा सीना के पीछे दौड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाया था वह, उसे पकड़कर घर लाया। दोनों एक कमरे में बंद रहे, बहुत देर रूठना मनाना चलता रहा था। बाहर खड़ी रोशनी जलती रही, सिसकती रही, पर दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा कि उसे यह नहीं आना सही था, उसका पति तो उसका रहा ही नहीं अब। भले ही कानून वह उसकी पत्नी थी, पर उसने दिल में जगह किसी दूसरी औरत को दे दी थी, जो अब वापिस लेना ना नामुमकिन थी। फिर काफ़ी देर में दरवाज़ा खुला और सीना गुस्से में बाहर निकली। वो बहुत खपा थी दीपक से और लगातार एक ही बात रटे जा रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो सली गई थी दीपक की दलीलें, अनन्य प्रेम को ठुकरा कर, और दीपक फिर से इस सब के लिए रोशनी को जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो थोड़ी देर में ही सला गया घर छोड़कर। बेसारी रोशनी भूखी प्यासी बैठी रही उसके इंतजार में। उसका दिल नहीं हुआ कि वह किचन में जाकर पानी भी पी ले, उसे सब कुछ पराया लग रहा था। काफ़ी रात गए, उसे शक्कर आने लगे, वह वहीं बैठी सो गई थी। दीपक लौटा था आधी रात को हल्का सा नशा करके शायद। अरे अभी तुम गई नहीं यहाँ से, वह बेशर्मी से बोला और अपने कमरे में जाकर सो गया। रोशनी मुंह ताकती उसे देखती रह गई। इसमें जरा इंसानियत नहीं है, कैसा पत्थर दिल आदमी है ये, आखिर हूँ तो मैं इसकी पत्नी ही, कोई अजनबी को भी साए पानी पूछ लेता है। सुबह मुंह अंधेरे वह एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली गई। सीधे वह पड़ोस वाली आंटी के गईयों ने उसे बहुत समझाया, ऐसे रूठ कर मत जाओ, वह तुम्हारा पति है और तुम्हारा अधिकार है उस पर वो नहीं मानी, जहाँ प्यार ही नहीं वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। ये ही बात दीपक की उसके पत्र में लिखी मिली। जब वह सुबह उठा तभी सीना की कॉल आई और उसने बताया दीपक को कि वह कल रात की फ्लाइट से सिंगापुर चली गई अपने पेरेंट्स के पास, जहाँ उसकी शादी उसके एक्स से हो रही है। जल्दी दीपक उसे भूल जाए, दीपक के पैरों तले जमीन सरक गई। ये तो दोनों ही हाथों से निकल गई। सीना भले ही उसका प्यार थी, लेकिन रोशनी तो उसकी ब्याहता पत्नी थी। वह हड़बड़ा के अपनी गाड़ी से बस
स्टैंड की तरफ भागा। पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रोशनी उसे बैठी दिख गई, जो बस का इंतजार कर रही थी। पड़ोस वाले सुधा आंटी और राम अंकल भी उसके साथ थे, शायद उसे छोड़ने आ गए थे हाँफते हुए। दीपक रोशनी के पास पहुंचा। रोशनी प्लीज मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप, वह बिना किसी भाव के बोली। तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया मैंने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपने घर। चलो वह बोला, अपने घर, वो घर जहाँ मुझे एक वक्त पानी भी नसीब नहीं हुआ 24 घंटे से भूखी प्यासी में। अगर वह घर है तो आपको ही मुबारक, हमारे घरों में तो अजनबी को भी पानी के साथ मीठा मीठा खिलाया जाता है। मैं अपने पति के पास आई थी, नहीं जानती थी कि वह किसी और की जुल्फों में गिरफ्त है। आपको आपकी प्रेमी का घर सब मिले, गुड बाय। तभी उसकी बस ड्राइवर ने चलने का हॉर्न दिया और वो सुधा राम आंटी अंकल के पैर सूकर बस में सड़ गई। दीपक भौसका देखता रह गया। बेबसी में वह बोला, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते ना आंटी, मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्या करूँ। जाओ और मनाओ, उसे राम अंकल बोले, लेकिन वह मुझे ठुकरा के चली गई है। तुमने भी उसे ठुकराया था एक बार, वह लड़की होकर अनजान शहर में तुम्हें ढूंढती आ गई। तुम एक आदमी होकर अपने रूठे प्यार को मनाने नहीं जा सकते, कैसे पति हो, प्रेमी तो हो ही नहीं। सुधा हिकारत से बोली, क्या वो मान जाएगी, सहमी आवाज में पूछा था दीपक ने। जितना इंतजार तुमने उसे कराया है कुछ तो अभी भी करवाएगी, बाकी तुम्हारी तकदीर। सुधा हंसी, अब जाओ, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। दीपक तेजी से दूसरी बस में सड़ गया। अपनी प्रियतमा रोशनी को मनाने के लिए अब शायद सिर फूटे या माता, उसे अपनी पत्नी को मनाना ही था।